पंजाब के मोहाली की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में शनिवार की देर शाम छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन कर रही छात्राओं का आरोप है कि एक गर्ल स्टूडेंट ने नहाते समय कई छात्राओं का वीडियो बनाकर वायरल किया है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और आरोपी छात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार की शाम करीब 7:30 बजे कुछ छात्राओं ने यूनिवर्सिटी हॉस्टल के बाहर हंगामा किया। इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रदर्शन करने वाली छात्राओं का आरोप है कि एक गर्ल स्टूडेंट ने नहाते समय उनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद एक छात्रा ने सुसाइड करने की भी कोशिश की है। हालांकि इसको लेकर पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पर अफवाह है और इसको लेकर IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि छात्राओं ने इसको लेकर शनिवार शाम से ही अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा था। अब इस मामले में पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट होकर उन्होंने अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर ने बताया कि किसी छात्रा ने सुसाइड का प्रयास नहीं किया है, केवल एक गर्ल स्टूडेंट बेहोश हो गई है जो अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत स्थिर है। इसके अलावा जिस आरोपी छात्रा ने MMS बनाया है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की सूचना साइबर क्राइम ब्रांच को दे दी गई है। अब आरोपी छात्रा से पूछताछ की जा रही है। मोहाली की घटना को लेकर पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने छात्राओं से अपील की है कि शांति बनाए रखें, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने लिखा कि मैं यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों से अपील करता हूं कि शांत रहें, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये एक संवेदनशील मामला है और हमारी बहन बेटियों से संबंधित है। हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। एक समाज के रूप में ये हमारी भी परीक्षा है।